लैंगिक कठोरता के लिए एक वरदान, इसके बारे में मैं आज बातचीत करने वाला हूं। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर। मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन तथा व्यसन मुक्त न्यू महाराष्ट्र में पिछले 41 साल से अकोला में प्रैक्टिस कर रहा हूँ। लैंगिक कठोरता, ये करीब करीब 30% लोगों को प्रॉब्लम है और 50 साल के ऊपर तो बहुत ज़्यादा लोगों को ये प्रॉब्लम है, क्योंकि तो सेक्स करने समय उनको लिंग में कठोरता नहीं आती और सेक्स कर नहीं पाते। ऐसे इसमें सिल्डेनाफिल बहुत ही कारगर है, वायग्रा या टाडालाफिल कारगर है, वर्दानाफिल, एवेनाफिल भी है, मगर ये टैबलेट्स जो है, ये जो दवाइयाँ हैं, इसके इसकी कोई मर्यादा है, साइड इफेक्ट्स है उसके, इसलिए मर्यादा आती है। जैसे हार्ट का प्रॉब्लम है लोगों को, बॉडी एक्स पेन्स होते हैं, हेडेक होता है, एसिडिटी होती है, तो काफ़ी सारे साइड इफेक्ट होते हैं, लोग पसंद नहीं करते। फिर उनके लिए क्या, देखो तो पेनिस की सेंसिटिविटी कम करना, मतलब जल्दी डिस्चार्ज जो है, वो जल्दी डिस्चार्ज रोकना है, उसके लिए स्प्रे है, और वो स्प्रे बहुत ही कारगर है। वो स्प्रे पेनिस को नम कर देते, उसमें कोई सेंसेशन ही रहता नहीं है, और फिर डिस्चार्ज जल्दी होता नहीं, क्योंकि फ्रिक्शन होता नहीं, मालूम ही नहीं पड़ता। मगर वो बात कब है कि जब इरेक्शन होता है। अभी इरेक्शन ही का जिसको प्रॉब्लम है, ये लोकल स्प्रे कारगर है, इसको बोलते हैं इरोक्सम स्प्रे। तो इसमें है क्या, ये एक लोकल स्प्रे है, आप पेनिस के ऊपर स्प्रे कर सकते हैं, मार सकते हैं डायरेक्टली चमड़ी पीछे करके, और ये स्प्रे में जो कंटेंट है वो, तो ये स्प्रे में है क्या, ये स्प्रे में इथेनॉल, प्रोपिलिन ग्लाइकॉल, ग्लिसरीन, कार्बोमोर, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो ये क्या है, ये लोकल इरिटेंट है। इसमें क्या होता है कि जब ग्लांस पेनिस के ऊपर, मतलब सामने जो सुपारी जैसा पोर्शन है ग्लांस पेनिस, उसके ऊपर ये मारते हैं, तो वहाँ की नर्व एंडिंग स्टिम्युलेट हो जाती है, इरिटेशन होता है, और वो स्टिम्युलेशन से, इरिटेशन से पेनिस में ब्लड फ्लो बढ़ता है, और ब्लड फ्लो बढ़ गया कि इरेक्शन आता है। अब इसके बहुत ज़्यादा साइड इफेक्ट नहीं, जिसको ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम है उसने ये स्प्रे नहीं मारना चाहिए, कभी कभी चक्कर आती है उसकी वजह से। और ये स्प्रे मारने के बाद में आप सेक्स करते हो तो महिला पार्टनर को भी प्रॉब्लम हो सकता है, उसको चक्कर आ सकती है, उसका ब्लड प्रेशर कम हो सकता है, इसलिए स्प्रे मारने के बाद में कंडोम का इस्तेमाल करना जरूरी है, ताकि महिला को इसका इफेक्ट ना आए। ये स्प्रे 10 मिनट पहले आप मार सकते हैं, 10 मिनट्स, कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है, लोकल इरिटेशन होता है, और इसमें 65% लोगों को फ़ायदा है ऐसा मालूम पड़ा एक स्टडी में, 65% लोगों को, 65% लोगों को फ़ायदा हुआ। इसका मतलब यह है कि 35% लोगों को फ़ायदा हुआ नहीं। ये 4 डोज का पैक आता है, अभी तो बहुत महंगा है, ये अलग अलग देशों में अलग अलग रेट है, जैसे 250 रुपये से लेके 1500 रुपये तक एक टाइम का, तो बहुत ज़्यादा होता है कुछ लोगों को, तो इसलिए उसका बहुत ज़्यादा चलन नहीं है। फ़ायदा है कि डॉक्टर की तरफ जाने की आपको ज़रूरत नहीं है, आप दुकान पर जाके ये खरीद सकते हैं और अपने आप का इरेक्शन कॉस कर सकते हैं। और इरेक्शन एक बार हो गया तो उसके बाद में आप समझो लोकल स्प्रे मारते हैं एनेस्थेटिक स्प्रे, तो उससे फिर लंबे समय तक भी आप चल सकते हैं। ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो जरूर लोगों को शेयर करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो। थैंक यू वेरी मच।